शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम कह रहे हो आंख चली जाएगी? अरे बेटी चली गई तो आंख में क्या रखा है कभी? कुछ जन्म ना लेती तो अच्छा होता, और पैदा हो ही गई थी तो आज का दिन आने से पहले मर गई होती तो और अच्छा होता। मुबारक हो, शर्त जीत लिया आपने। ये रहा आपका रुपया। छोड़ यार, आज जो कुछ भी हो गया ना उसके लिए तू सर को वहां क्यों ले आया था? अब रहने दे सब बातें, शर्त तो तूने जीती ली ना। अब रमा जी को उनके घर तो पहुंचा दे। हाँ? वो तो उसी वक्त वहां से चले गए, अभी तक घर नहीं पहुंचे। नहीं तो फिर कहां गए? टिकट दिखाइए। दिखाइए जी। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? अजी इनको मशीन पे तुलवाकर ब्रेक वैन में बुक करवाइए। सवारी गाड़ी में कम से कम 2-2.5 टिकट लगेंगे। क्या 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 क्या, क्या मतलब? अरे अरे लाला जी के आप खाने हैं तो गांव के रिश्ते में हमारा भी कुछ हक होता है। अपना टिकट तो दिखाइए। ये तो हम छोड़ने आए हैं। हाँ तो खाली प्लेटफार्म टिकट दिखाइए ना। अरे निकालिए 50 पैसे, सरकारी प्लेटफार्म है, और जाते वक्त टिकट ले जाइएगा जरा। जी धन्यवाद धन्यवाद। आइए जल्दी आइए। अरे मगरू जल्दी से भैया पार्सल उतर वाले, जल्दी कर जल्दी कर। भाई टिकट है क्या? लिया था। बहन जी यहाँ गाड़ी कितने देर तक रुकती? यही 1-2 मिनट। क्यों? बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। हाँ जाइए, यही तो पानी है। ये लीजिए, हाथ मुंह भी धोकर आइए। इन्हीं के साथ और डब्बे लेकर बैठो, मैं भी आता हूँ। गई मेरा बैग। तुम्हारे साथी से तुम्हारी बहन उतरी थी, वो गेट की तरफ गई। सुनिए एक मिनट, टिकट किधर है? टिकट तो नहीं है। हाँ नहीं है। टिकट नहीं है तो बैठ जाओ उधर, चले आते हैं धोखेबाज। टिकट नहीं है। एक सेकंड। हाँ जी टिकट टिकट ये लीजिए। हाँ बोलिए। आपने यहाँ से कोई लड़की जाते हुए देखी? ऐसे सफेद काले रंग की साड़ी पहनी हुई और मुंह में वो चेचक के दाग। अब मुझे साड़ियाँ और मुंह देखने की फुर्सत का? ये WP पकड़ते पकड़ते ही मेरी जिंदगी कट। यहाँ से कोई लड़के नहीं गई? लड़की देखी तो थी शायद। मैं जाके देखूँ। अच्छा देख लीजिए, टिकट तो आपके पास है। टिकट किधर है? कहाँ जा रहा है? क्या मेरे बाप का रेलवे स्टेशन है? चल बैठ जा इधर। मुफ्त में सैर करने चले आते हैं सबके सब सच। और पानी पीने नीचे उतरी थी एक लड़की, मेरा बैग लेके भाग। बैग छोड़कर आप पानी पीने उतरी थी? कमाल, लगता है आजकल भी आप लोग सतयुग में ही रह रहे हैं। आइए मेरे साथ आइए। मगरू जरा तीनों को चालान कर देना। WT है ससुर। आइए मेरे साथ आइए। क्यों बेटे फिर खुजली हुई तुम लोगों को? आइए 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 बैठिए। तो आपका बाकी सामान भी ट्रेन में रह गया होगा, मैं अगले स्टेशन पे अभी खबर। मेरा और कोई सामान नहीं। कोई सामान नहीं? तो क्या सिर्फ एक बैग के साथ आप सफर कर रही थी? जी हाँ। ओह,
अच्छा तो रिपोर्ट लिखवाइए। मैं रिपोर्ट लिखवाना नहीं चाहती। देखिए मेरे पास ये इसके सिवा और कुछ नहीं, आप इसे ले लीजिए और मेहरबानी करके दिल्ली का टिकट दे दीजिए। ठहरी ठहरी ठहरी, इस छोटे से गांव में ये कहां दिखेगा? और फर्ज कीजिए कि आपकी टिकट का बंदोबस्त हो भी गया, दिल्ली की गाड़ी तो कल ही मिलेगी इसी वक्त, और सुबह से पहले और कोई गाड़ी जाती भी नहीं, फिर रात भर आप रहेंगे कहां? वेटिंग रूम में। आज इस छोटे से स्टेशन पर वेट कोई करता ही नहीं, तो वेटिंग रूम कहां होगा यहां पर? तो आप एक काम कीजिए, पास ही मेरा क्वार्टर है, आज रात वहीं रह लीजिए। नहीं नहीं, आपको खामा खा तकलीफ क्यों दूं? अजी इसमें तकलीफ की क्या बात है, बैचलर आदमी हूं, अकेला रहे। क्या हुआ? ओ, समझ गया, आप सोच रही हैं मैं आपको खा जाऊंगा, मैं आपको शक्ल से गुंडा बदमाश दिखा देता हूं। रहिए यही रहिए यही रहिए। भरी ट्रेन में आपका बैग उठ गया, खाली स्टेशन पे आप उठ जाएंगे या मवाली बहुत है। हाँ ठीक है ठीक है, लड़कियों में यही तो खराबी होती है, न मानने वाली बात तड़ से मान लेती है और मानने वाली बात कभी नहीं मानती। उसका कहा मान लिया जो बैग लेकर सटक गया, और मेरा कहा नहीं मान रही है जो पनाह दे रहा। अरे लड़की का एक रूप बहन बेटी का भी होता, और मर्द सिर्फ गुंडा नहीं भाई भी होता। ठीक है लीजिए लीजिए, रख लीजिए, मुझसे बचने के लिए यही काफी है, रख लीजिए रख लीजिए रख लीजिए। चलिए सोच रही हैं। अरे मगरू बंद कर दफ्तर। अजी चलिए 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 चलिए, आई 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 आई, जगह छोटी सी है शायद, उम्मीद है पसंद आए आपको। आई आइए आइए आइए, यही है मेरा क्वार्टर, एक मिनट मैं अभी आया। ये मेरी बहन सुधा की तस्वीर है, आज आपको वहां देखा तो एकदम से वो याद आ गई, तभी तो आपको यहां लेकर आया हूं। क्या हो गया था उनको? पता ही नहीं चला, शादी के 2 महीने पहले आध घंटा बीमार रहकर, यही डबल खराबी है मुझमें, जरा सा मौका मिलना चाहिए, सुधा का दुखड़ा लेकर बैठ जाता हूं। चलिए हाथ मुंह धो डालिए, भूख के मारे भूलिया डाइट हो रहा मेरा। आइए आइए जल्दी आइए आइए, ये सामने। जल्दी कीजिए भूख लग रही है, वक्त पड़ने पर मैं किसी के लिए जान भी दे सकता हूं लेकिन भूखा नहीं रह सकता। मगर सुनिए आज आधा पेट ही खाना पड़ेगा, मुझे क्या मालूम था कि आप आ रही हैं। आप खाना खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। आप तो कल शाम की गाड़ी से दिल्ली जा रही हैं ना? हाँ। तो कल शाम तक के लिए मेरे लिए मेरी सुधा बन जाओ ना। आओ, जो कुछ भी है हम दोनों भाई बहन मिलकर खा लेते हैं, बैठो। मास्टर साहब मगरू, क्या बात है? साहब गजब हो गया साहब, 85 डाउन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ साहब, 5 कोस आगे फोन आया, ट्रॉली आ रही है। अरे तुझे 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 मैं अभी आया। अरे देखा, भगवान जो करता है ठीक करता है, जिस ट्रेन में तुम सफर कर रही थी उसी का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा मैं चलता हूं, शायद कल सुबह तक आऊंगा, तुम फिक्र मत करना, आराम से खाना खाकर सो जाना है। आओ
पहले दरवाजा बंद कर लो। आओ जल्दी करो जल्दी करो। अगर ये हो जाता तो मैं ट्रेन से क्यों उतर गई, मैं ट्रेन से क्यों उतर गई। चल गई थी आप? पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ये नाटक किया? रोमा जी, मैं इंद्र जी, एक छोटे से शहर में मेरी एक छोटी सी जिंदगी थी बिना सपने के। फिर आप आए, मुझे नए नए सपने दिखाने लगे। मैंने आप पर भरोसा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ने लगे। क्या यही मेरा कसूर था जिसके लिए मेरे साथ वही नाटक करते रहे जो आप डॉली जैसे लड़कियों के साथ करते हैं? रमा जी, मैं आपसे सच कह रहा हूं, यह सब कुछ शुरू नाटक से ही हुआ था, लेकिन आपके जाने के बाद वो नाटक नाटक नहीं रहा, सच्चाई बन गई थी। आप जानते हैं आपने मुझे किस रास्ते पर धकेल दिया है। मैं डॉली रुकिया तो नहीं बन सकती। मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्महत्या। नंदलाल मर गया। नंदलाल, ओ इंस्पेक्टर साहब, आई 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 आई। उफ, अब जाके फुर्सत मिली। बैठिए, ज्यादा पियेंगे चाय? भाई नहीं भाई, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। सुधा, एक गिलास शरबत लाना दरोगा जी के लिए। तो कितने मरे भाई? कुल मिलाकर 24। 24? हाँ भाई। तो सबके घर वालों को तार कर दिए? हाँ भाई, जिनका कुछ अता पता मिला उनके घर तो तार कर दिए। चंद लाशें ऐसी कुचली गई हैं जिनका पहचानना मुश्किल है। एक लाश के हाथ पे तो गोदना था, नाम था रमेश्वरी देवी, पता नहीं कौन थी कहाँ की थी। दूसरी लाश के नीचे मुकदमे के कागजात थे, अलीगढ़ जा रहा होगा तारीख पर, यूं उसका पता चला। एक कुचली हुई लाश के पास एक बैग मिला, उस बैग में एक खत था, कुमारी रमा शर्मा, केयर ऑफ प्रोफेसर दयाशंकर शर्मा, कचहरी रोड, प्रतापगढ़। दयाशंकर, तुम्हारा तार कभी तुम पढ़ के सुनाओ ना। किसका तार है? रमा के बारे में। क्या है, उसने इंदर से शादी कर ली? नहीं। तो मैं प्रकाश, तुम ही पढ़ के सुना दो बेटा। क्या हुआ? क्या है प्रकाश, मुझे दे दो प्रकाश, मुझे दे दो, मुझे दे दो। कबीर, सब सब काला होता जा रहा है। कबीर, कबीर, सब सब अंधेरे में डूबता जा रहा है। कबीर, 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 मैं अंधा हो गया। कबीर, कबीर, मैं बिल्कुल अंधा हो गया। कबीर,